हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मटीरियल कॉस्टिंग इस चैप्टर का स्टॉक लेवल के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में मटीरियल कॉस्टिंग क्या है उसका कंसेप्ट और इस चैप्टर में मटीरियल कॉस्टिंग में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कवर किया था राइट तो इसमें हमने स्टॉक लेवल स्टार्ट किया है स्टॉक लेवल के सारे फॉर्मूलाज जो है वो हमने पहले लास्ट लेक्चर में कवर किए थे उस लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आपने वो फॉर्मूलाज का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये समझो है वो और ईजी तरीके से समझे तो शुरू करते अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए यहाँ पर कहा टू कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी आर यूज एज फॉलोस ठीक है नॉर्मल यूसेज दिया है आपको 50 यूनिट्स पर वीक मिनिमम यूसेज दिया हुआ है 25 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है आपको ट्वेंटी फाइव यूनिट्स अब अगर आपको फार्मूला याद रहेंगे तो हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन राइट आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड तो ये जो यूसेज दिया हुआ है ये आपका कंजम्पशन के लिए है ठीक है तो मिनिमम और मैक्सिमम और अगर सब में आपको नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है इसका मतलब समझ जाइए कि आप एवरेज यूसेज जहाँ पर भी आपको लेना है वहाँ पर आप क्या लेंगे नॉर्मल यूसेज को लेंगे ठीक है जनरली अगर एवरेज नहीं दिया है तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम ऐड करके एवरेज निकालते हैं बट यहाँ पर आपको नॉर्मल यूसेज दे दिया है वही आपका एवरेज यूसेज हो जाएगा इसके बाद आपको रीऑर्डर क्वान्टिटी दिया हुआ है दैट इज़ आर ओ क्यू थ्री हंड्रेड ए का है और बी का फाइव हंड्रेड यूनिट्स रीऑर्डर पीरियड आपको दिया हुआ है ए प्रोडक्ट का फोर टू सिक्स वीक है यानी कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड फोर मैगजिमम रीऑर्डर पीरियड सिक्स सेम वे बी के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड टू मैगजिमम रीऑर्डर पीरियड फोर ओके okay? अब आपको पूछा क्या है देखिए कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट यानी ए और बी दोनों कंपोनेंट के लिए आपको रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल यहाँ पर पूछा है तो सबसे पहले हम लोग राइट right? यहाँ पे ये चारों चीज़ें फाइंड करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पहले फाइंड कर लेते हैं राइट right? तो आपको मैक्सिमम यूसेज मिनिमम यूसेज राइट और एवरेज यूसेज तो पता ही है साथ ही आपको रीऑर्डर पीरियड भी पता है ओके okay? बट हम लोगों को यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन हमें क्या लेना है फिफ्टी लेना है जैसे कि मैंने आपको कहा हम नॉर्मल यूसेज को ही यहाँ पर लेंगे इसके बाद एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें नहीं दिया हुआ है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो दोनों प्रोडक्ट का रीऑर्डर पीरियड मैं अलग अलग कैलकुलेट करूंगा एवरेज का क्योंकि मिनिमम तो है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम यही है आपके ठीक है फोर मिनिमम है सिक्स मैक्सिमम है वैसे बी के लिए टू मिनिमम है फोर मैक्सिमम है ओके okay? अब इनका एवरेज चाहिए आपको तो फोर प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे फाइव वैसे ही बी प्रोडक्ट का निकालेंगे एवरेज रिऑर्डर पीरियड तो वो होगा टू प्लस फोर डिवाइड बाई टू सो टू प्लस फोर आपका आ जाएगा सिक्स सिक्स डिवाइड बाई टू करने पर मिलेगा थ्री इसके बाद अब हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेडी है तो अब हम वन बाय वन फार्मूला पुट कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर रीऑर्डर लेवल उसका फार्मूला क्या है मैक्सिमम कंजम्पन इन टू मैगजिमम रीऑर्डर पीरियड तो पहले आपको ए प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है यहाँ पर तो ए प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है तो कंजम्पशन तो आपको दो अलग अलग नहीं दिए हुए वहाँ पर एक ही दिया हुआ है तो दोनों ईच बोला है ना मतलब ए के लिए भी और बी के लिए भी सेम ही है सो मैक्सिमम कंजम्पशन सेवेंटी है और मैक्सिमम री पीरियड ए का अगर मैं ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा ए का मैक्सिमम कंजम्पशन सेवेंटी फाइव ए का री पीरियड कितना है मैक्सिमम वाला सिक्स तो सेवेंटी फाइव इंटू सिक्स करता हूँ आंसर मिल रहा है मुझे 450 इसी तरह मैं बी का कैलकुलेट करूंगा तो बी के लिए भी मैक्सिमम कंजम्पशन 75 है लेकिन बी का जो पीरियड है राइट right, मैक्सिमम वो कितना है फोर सो so, वहाँ पे 75 फाइव इंटू फोर करेंगे आंसर मुझे मिलेगा 300 हंड्रेड यूनिट्स रीऑर्डर के लेवल के बाद मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है मेरा मिनिमम लेवल अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आर ओ एल यानी जो हमने अभी कैलकुलेट किया माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड तो यहाँ पे हम लोग पहले एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड फाइंड आउट करेंगे फिर आर ओ एल में से उसको माइनस कर देंगे तो अगर मैं पहले ए प्रोडक्ट की बात करूँ तो ए प्रोडक्ट का आर ओ एल देखिए कितना था फोर फिर उनका एवरेज कंजम्पशन है हमारे पास यानी फिफ्टी और एवरेज रिओडर पीरियड कितना है फ़ाइव सो फोर हम लोग ले रहे हैं आर ओ एल की जगह पर और यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन हमारा कितना था 50 था और ए का एवरेज रिओडर पीरियड कितना था 5 तो 50 इंटू फाइव आपका कितना हो जाएगा 250 तो 450 फिफ्टी माइनस टू होगा और उसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 200 यूनिट्स इसी तरह फिर बी का भी निकालेंगे तो बी का आर ओ एल देखिए आपको कितना मिला था ऊपर 300 उसका एवरेज कंजम्पशन तो आपका सेम ही रहने वाला है 50 ही रहेगा लेकिन एवरेज रिओडर पीरियड कितना है थ्री सो यहाँ पर फिफ्टी इंटू होगा थ्री हंड्रेड आर ओ एल माइनस आपका ये एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रिओर्डर पीरियड मिल रहा है वन तो थ्री हंड्रेड माइनस फिफ्टी विल गिव यू वन फिफ्टी यूनिट्स मतलब आपका मिनिमम लेवल जो है वो वन फिफ्टी यूनिट्स हो रहा है ठीक है तो हमने आर ओ एल और मिनिमम लेवल फाइंड आउट कर लिया अब मैं आपके लिए ये साइड ऐसे ही रखता हूं यहां पर मैं चेंज करते हैं हम लोग मैक्सिमम लेवल फाइंड करेंगे हम मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लेना है आपको तो आर ओ एल हमने पहले ही फाइंड किया आर ओ क्यू यानी कि री ऑर्डर क्वांटिटी आपको ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है सब में डायरेक्टली आपको यूज करना है मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारे पास है सो so, यहाँ पर पहले ए के लिए फाइंड करेंगे तो ए का आपको आर पिछले वाले सब में मिला था ना फोर अभी स्लाइड में हमारा फोर राइट right? और आपको आर कितना दिया हुआ है ए का थ्री और मिनिमम कंजम्पशन कितना लेने का है हमें ट्वेंटी फाइव और आपका मिनिमम पीरियड जो है वो ए के लिए कितना है फोर सो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो फोर फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड सेवन फिफ्टी हो रहा है और ये ब्रैकेट का वैल्यू आ रहा है हंड्रेड तो सेवन फिफ्टी माइनस हंड्रेड आपको कितना मिलेगा सिक्स इसके बाद इसी तरह आप बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का आर ओ एल हमने पहले निकाला था राइट थ्री हंड्रेड आर ओ क्यूब बी का दिया हुआ है आपको फाइव हंड्रेड और मिनिमम पीरियड आपका फिक्स है ट्वेंटी फाइव राइट और मिनिमम पीरियड जो दिया हुआ है आपको बी का वो कितना दिया हुआ है टू तो ट्वेंटी फाइव इंटू टू आपको कितना मिलेगा फिफ्टी तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा आपको थ्री हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड आपका एट हंड्रेड हो जाएगा और ब्रैकेट में आपको मिलेगा फिफ्टी तो एट हंड्रेड माइनस फिफ्टी करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको सिक्स फिफ्टी यूनिट्स इसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज स्टॉक लेवल राइट तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है आपका मिनिमम लेवल का जो आपने आंसर निकाला था प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय टू करना है तो आपने ऑलरेडी लेवल्स निकाले हुए यहाँ पे हमारे पास मिनि लेवल uh, है आपके पास राइट मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल हमने पहले इसमें निकाला था टू और वन यूनिट्स तो पहले ए की बात करूँ तो हमारा मिनिमम ए का टू था यहाँ पर आपका मैक्सिमम कितना मिला है सिक्स डिवाइड बाई टू कर रहा हूँ राइट right? टू हंड्रेड प्लस सिक्स फिफ्टी एड करेंगे तो एट फिफ्टी डिवाइड बाई टू होगा जो कि कितना आ जाएगा फोर ट्वेंटी फाइव यूनिट्स बी की बात करें तो बी में मिनिमम लेवल आपका कितना था आपने फाइंड किया था वन फिफ्टी यूनिट्स और यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिला था सेवन फिफ्टी दोनों को ऐड करेंगे तो नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई टू हो जाएगा और उसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा फोर फिफ्टी यूनिट्स तो यहाँ पर हमने ये चारों चीज़ें जो हमें पूछी थी वो हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा फार्मूलाज है तो यहाँ पर स्टॉक लेवल के लिए आपको फार्मूला याद रखने हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो इंटरप्रिटेड करने प्रॉपरली आनी चाहिए तो आपके लिए सम बहुत ही ईजी हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का पहले ले लेता हूँ आपके लिए ठीक है so सो यहाँ पर आप लोगों को चार चीज़ें पूछी है ठीक है तो अभी क्या क्या बोला है देखिए क्वेश्चन पहले समझते हम राइट right? तो फॉर अ मैनुफैक्चरर ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट टू कम्पोनेंट्स ए एंड बी आर यूज तो लास्ट सम की तरह यहाँ पर भी दो कम्पोनेंट है और द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट दिस कम्पोनेंट आर अवेलेबल नॉर्मल यूसेज यानी कि आपका एवरेज दोनों में सेम है सिक्सटी मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है दोनों में सेम एटी मिनिमम यूसेज दिया हुआ है दोनों में सेम थर्टी ठीक है रीऑर्डर क्वान्टिटी आपको दिया हुआ है यानी कि आर ओ क्यू फोर हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड है और रीऑर्डर पीरियड ए के लिए बोला है फोर वीक टू सी विक्स वीक मतलब मिनिमम फोर है मैक्सिमम सिक्स बी के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड टू रहेगा मैक्सिमम री ऑर्डर फोर रहेगा अगेन आपको ये चार चीज़ें पूछी है आर ओ एल मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल तो अगर आपको यहाँ पे एक आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में चीजें जो पूछी गई है वो सेम है और यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो खाली उन्होंने सिंगल इन्फॉर्मेशन दिया था ए और बी के लिए यहाँ पे उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एवरेज रिऑर्डर पीरियड निकालना है तो वो कितना आने वाला है आपका तो ए के लिए फोर प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू करेंगे दैट इज़ फाइव आ जाएगा और बी के लिए टू प्लस फोर डिवाइड बाई टू करेंगे तो आंसर थ्री मिलेगा इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर ओ एल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड तो पहले ए प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो ए प्रोडक्ट का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है देखिए एटी और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है उसका सिक्स तो एटी इंटू सिक्स करेंगे आंसर आ जाएगा फोर एटी यूनिट्स ओके बी के केस में मैक्सिमम रीऑर्डर कितना है मैक्सिमम यूसेज एटी और पीरियड कितना है फोर तो एटी इंटू फोर आंसर मिलेगा आपको थ्री ट्वेंटी यूनिट्स आर ओ एल के बाद आपको नेक्स्ट निकालना है मिनिमम लेवल तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इन टू एवरेज रीऑर्डर पीरियड तो यहाँ पर आपको आर ओ एल तो आपने अभी निकाला हुआ ही है ए ए का फोर एटी बी का थ्री ट्वेंटी अब आपको एवरेजेस यहाँ पर पुट करना है खाली तो ए प्रोडक्ट की बात करूँगा तो मैं पहले फोर एटी लूँगा और ब्रैकेट में हम लोग एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड को पहले सॉल्व करेंगे तो एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे देखिए ए का सिक्सटी दिया था एवरेज रिपोर्डर पीरियड इन दोनों की मदद से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था फाइव तो सिक्सटी इंटू फाइव वो आपको हो जाएगा 300 तो 480 एटी माइनस थ्री करने पे आपको आंसर आ रहा है 180 यूनिट्स बी प्रोडक्ट की बात करें तो उसका आर 320 था उसका आपको देखिए एवरेज कंजम्पन 60 है और एवरेज पीरियड आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है बी का थ्री तो सिक्सटी इंटू करेंगे आंसर आएगा वन सो थ्री ट्वेंटी करने पर वो आपको आ जा रहा है वन यूनिट्स ओके इसके बाद मैक्सिमम लेवल लेना है हमें तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला हम लोग लेंगे वो क्या है हमारा आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू हमारा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड तो यहाँ पे हमारे पास आर ओ एल हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था दोनों प्रोडक्ट का आर ओ क्यू हमें ऑलरेडी दिया, तो दिया हुआ है देखिए रीऑर्डर क्वान्टिटी फोर हंड्रेड है ए का और सिक्स हंड्रेड है बी का तो यहाँ पर ए के लिए आर ओ एल हमने वहाँ पर फाइंड किया था फोर एटी यहाँ पर आर ओ क्यू दिया हुआ है फोर हंड्रेड और मिनिमम कंजम्पशन कितना है देखिए थर्टी मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ए का कितना है फोर तो थर्टी इंटू फोर होगा वन ट्वेंटी इन दोनों को ऐड करने पर एट ए होगा और ब्रैकेट में आपको सॉल्व किया तो वन ट्वेंटी एट ए माइनस वन ट्वेंटी करने पर आंसर कितना आएगा सेवन सिक्सटी यूनिट्स इसी तरह बी का निकालेंगे तो बी के केस में आपने आर ओ एल पहले निकाला था थ्री ट्वेंटी यहाँ पर आपको उन्होंने रीऑर्डर क्वान्टिटी दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड और हमारा मिनिमम कंजम्पशन थर्टी यूनिट्स है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बी के लिए कितना है टू तो हम लोग यहाँ पे ले रहे थर्टी इंटू टू इन दोनों को ऐड करने पर नाइन ट्वेंटी आएगा माइनस हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिक्सटी तो नाइन ट्वेंटी माइनस सिक्सटी करने पर आंसर आएगा एट सिक्सटी यूनिट्स ओके इसके बाद आपको क्या निकालना है आपका एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय टू करना है हमें तो मिनिमम लेवल हमारा कितना है तो वो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है मैक्सिमम लेवल हमने यहाँ पे अब भी निकाला 760 और 860 तो हम लोग ए के लिए उसका मिन, मिनिमम लेवल हमें 180 मिला था मैक्सिमम लेवल हमें यहाँ पे देखिए 760 है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू कर देंगे तो वह आएगा 940 फोर्टी डिवाइड बाई टू जो कि आपको हो जाता है फोर यूनिट्स सेम वे बी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा वन यूनिट्स हमारा मिनिमम लेवल मिला था और यहाँ पर 860 यूनिट्स आपको मैक्सिमम लेवल मिला है उसका दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू करते हैं तो यहाँ पे आपका इनका टोटल थाउजेंड आ रहा है थाउजेंड डिवाइड बाई टू करने पर आंसर मिलेगा आपको फाइव हंड्रेड यूनिट्स तो यहाँ पर भी हमने देखिए चारों चीज़ें जो पूछी थी रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल और आपका एवरेज स्टॉक लेवल ये हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक लेवल कंप्लीट हो जाता है आने वाली वीडियोस में हम लोग ईओक्यू और इन्वेंटरी लेवल और स्टॉक लेजर के क्वेश्चंस कवर करेंगे तो so स्टूडेंट्स अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें